एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर से। कल्याण मुरबार रोड पर स्थित सहाड़ पुल पर बड़ा होल दिखाई दिया है, जिसके चलते वाहन चालकों में भय का माहौल है। उल्लासनगर शहर से गुजरने वाले सहाड़ फ्लाईओवर कल्याण डोंबेवली और मुरबाड़ मरहाल वरब कांबा मार्ग से नगर हाईवे को जोड़ता है और एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यहां से नागरिकों को लगातार आवाजाही रहती है। 24 जुलाई को इस पुल की खस्ता हालत का निरीक्षण करने के लिए विधायक कुमार एलानी और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यकारी अभियंता ज्योति शिंदे पहुँचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तुरंत गड्ढों को भरने का काम शुरू कराया था, लेकिन सिर्फ दिखावटी गड्ढे भरे गए थे। गुरुवार को एक बड़ा मामला तब सामने आया जब फ्लाईओवर के बीच में एक बड़ा होल दिखाई दिया, जो पुल के नीचे से ऊपर तक आर पार दिखाई दे रहा है। इससे वाहन चालकों में भय का माहौल फैल गया है। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस संदर्भ में यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश भांबरे ने बताया कि पुल की स्थिति को देखते हुए बड़े वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हल्के वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। इस प्रकार की घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं, इसलिए अधिकारियों से उम्मीद है कि वह शीघ्रता से मरम्मत कार्य पूरा कर समस्या का समाधान करेंगे। बरोबर आहे। आज सकाळी साधारणतः 8:30-9 वाजता आमच्या लक्षात आलं की या ठिकाणी एक खड्डा पडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही तत्काळ सदरची माहिती MMRDला वगैरे दिली आणि हेवी व्हेकल जे आहेत ते आपण बंद केलेले आहेत, फक्त लाईट व्हेकल चालू ठेवलेले आहेत। आता इंजिनियर वगैरे येऊन त्यांनी पाहणी केलेली आहे आणि आज ते आता थोड्या वेळाने काम चालू करून 24 तासानंतर ब्रिज चालू होईल एक असा अंदाज आहे। तोपर्यंत आपण लाईट व्हेकल जे आहेत ते चालू ठेवलेले आहेत। मी सगळ्या नागरिकांना आवाहन करेल की त्यांनी जड वाहतूक आहे त्यांनी टिटवाळा मार्गे आंबिवली त्या मार्गाचा उपयोग करावा, किंवा मग हे खालून जो रस्ता आहे शांतीनगर या ठिकाणाहून जावं त्यांनी।